हेलो हेलो, कौन? जी जी, मुफ्ती मुजाहिद साहब बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं? जी? आरिफुल हक्कानी बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, खैरियत से हैं? कल आपने फोन किया था, कल तो आपने काट दिया बीच में फोन। क्या जी था आपने फोन बीच में काट दिया था? नहीं, मैंने तो नहीं काटा था। और नहीं, आप तरफ से काटा था फोन? कब? अरे कल तो मैंने आपको लगाया था लेकिन आपने उठाया ही नहीं था। अच्छा, तो जी फरमाइए क्या कहना। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी ये जो शेर है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के, हाँ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो जी यानी नबी जो करीम सल्लल्लाहु जो अलैहि रबीउल वसल्लम अव्वल ना ने, हाँ, मनाए, सुनिए पहले, जो रबीउल देखिए, अव्वल ना सबसे बड़ी नेमत, मनाए, यानी जो, सुनिए एक पहले, मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए पहले। अरे पहले मेरे से बोलिए, मैं समझ गया, अरे आप जवाब हम ही बात अपना दे रहा एतराज हूँ तो मुझे। पेश करें, हम क्या कहना चाहते हैं वो तो आप पहले सुन लें, ठीक हाँ, बताइए। है? यानी ये जो शेर है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाँ, सिवाय इबलीस के जहां में तो सभी खुशियां मना रहे हैं, यानी इस शेर के अंदर ये फरमाया जा रहा है कि इबलीस के सिवा सारे लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। जो इबलीस के सिवा जो मतलब ये खुशियां है ना ना, जो मनाए, इबलीस, सुनिए ना, अब सुनिए ना, जो हाँ, खुशियां ना मनाए, जो क्या बोलते हैं अपने घर को ना सजाए, जो अपनी दुकानों को ना सजाए, जो 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 सड़कों पर ना जुलूस निकाले, ठीक है, वो जो है इबलीस है, देखिए, सुनिए, ये वो इबलीस कहा है गया है सिवाय इबलीस। अरे सुनिए, सुनिए ना, अब आपने जी। पहले, अब हमारी भी सुन लीजिएगा। सिवाय जी इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। देखिए, जी अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत जो हमारे लिए उतारी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जी जी बेशक और नेमत पर खुशी मनाना ये मोमिन की शान है। जी नेमत पर खुशी का इजहार करना ना, ये मोमिन की शान है। नेमतों जी पर जो आया है, तुम अभी नेमत रब्बी का फहरिस्त, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, जी जी बिल्कुल सही बात है, और ये अल्लाह तो रब्बुल दलायल तबारक व हमारे तआला हैं। ने बेशुमार तुम्हार नेमतें फरमाई हैं, और उन तमाम नेमतों में सबसे जो बड़ी नेमत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी किसी की नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो एहसान जताया। जी जी लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, जी एहसान किया मोमिनों पर कि उनकी जानिब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। जी तो ये तो आप जानते हैं कि नेमत जो है, नेमत खुशी का इजहार होता है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, और उस पर खुशी जी का इजहार करना जायज है, कोई कबाह नहीं है। शायद तो शरीयत ने उसके जो है तरीके पर हमारे रहने वाले, उस खुशी को शायद मनाने उसके का तरीके तरीका भी पर, बताया होगा हजरत, वो तरीका आप हाँ बताएं। बिल्कुल, हाँ, वो जी तरीका जी बताएं, तरीका शरीयत ये है के कि नबी अगर, हाँ, उसूल के तरीका, मुताबिक, शरीयत की रोशनी में वो उसूल बताएं, वो तरीका बताएं, जो तरीका हाँ, जो है शरीयत ने देखिए, दिया है। तरीका 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 वो ये है कि सही रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र किया जाए। सही जी, इसका तो कोई रिवायात मुमकिन के नहीं है ना। मुताबिक, ठीक है, सही रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाए और खुशी का इजहार किया जाए, मिलाद इबलीस मनाने का की तरीका निशाना। बताइए, अरे वही तो बता रहा हूँ, सही कहाँ रिवायात बता के रहे हैं? मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिक्र होना चाहिए, सही रिवायात के मुताबिक, सही जी रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र होना चाहिए। आपके साथ सही रिवायात के मुताबिक नहीं हो सकता? हो गई आपकी बात? हेलो हेलो, आपकी बात हो गई? हाँ
जी बताइए, अब सुनिए, क्या उसमें गलत है वो बताइए। अब सुनिए, हाँ हमारा एतराज ये है कि ये आपने बताया नहीं कि घर को सजाना, मस्जिदों को सजाना और इसी तरीके से सड़कों को जाम करना, ये जुलूस निकालना, ठीक है, और इसमें जो है तमाम ऐसी बेहयाई की बातें होती हैं, मर्द औरतों का एक साथ जमा होना, लड़कियों और लड़कों का एक साथ जमा होना, क्या ये जायज है? हाँ देखिए, लड़कियों का या मर्दों का औरतों का एक जगह सलत मलत होना जायज नहीं है। माशाल्लाह, न निकाला जाए, सुनिए, इस तरह जुलूस न निकाला जाए, उसमें खुराफात न हो। जब जुलूस निकले तो दुरूद शरीफ वगैरह या नाते रसूल या बयान वगैरह करते हुए जुलूस आगे बढ़े, ताकि उससे दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो और वो लोग जो है ईमान की तरफ आए और दूसरे रास्ते को छोड़ें और देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वालों का तरीका क्या है। जी। घरों को सजाने का जहाँ तक मसला है तो मैंने कहा कि वाम्मा बिन नियमत रब्बी का फाजिस, अपने रब की नियमतों को खूब चर्चा करो। तो नियमत अगर कोई है, कोई नियमत अगर हमें दी है तो उस पर घर को सजाना कोई बेहतर नहीं है। आप शादी ब्याह करते हैं और एक दुल्हन की आमद की खुशी में आप जो है अपने मकान को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को सजाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हो गई बात आपकी। जी 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 ये सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि शरीयत ने क्या इसका हुक्म दिया है कि जो है अपने घरों को सजाओ, सड़कों को जाम करो, उर्स निकालो, क्या सहाबे कराम का यही तरीका? सुनिए पहले, सुन लीजिए, पहले सुनिए, क्या सहाबे कराम का यही तरीका था कि वो हर रबीउल अव्वल को, अरे यार खामोश रहो मुफ्ती साहब, खामोश रहो, हमारी तो सुन लीजिएगा, अरे मैं आप ही की तो हम उतनी देर से सुन रहे हैं। पहुंचती है, किसी को तकलीफ पहुंचती है, समझ रहे हैं? सड़कों को जाम करना करना वो ये तरीका गलत है, उसके सही तौर पर जो है उसको रास्ते से जाए दूसरे रास्ते से, मगर इससे ये तो यही सब तो होता है, यही तो सब हो रहा है, ईद मिलादुल नबी के मौके पर यही तो सब आप लोग करते हो। अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ना नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज पढ़ना बंद कर दें, ये नहीं कहेंगे आप। अगर किसी के हाथ पर इजाजत लग गई है तो ये नहीं कह सकते कि आप हाथ को काट कर फेंक दें। अब मेरी बात सुनेंगे? हाँ सुनाइए। अब बोलना नहीं, ठीक है, आपको मैं देखो मौका देता हूँ बोलने का, लेकिन आप मुझे मौका नहीं देते हैं, हमें भी मौका फराहम करें ताकि हम भी अपनी बात पेश कर सकें। मौका मैंने दे दिया है आपको, अब सुने, ठीक है। आप अक्सर ये देखा करते हैं कि जब ईद मिलादुल नबी का मौका होता है, यानी 12 रबीउल अव्वल होता है, खास तौर पर क्या बोलते हैं, सड़कों को जाम किया जाता है ना? और मिलादुल नबी के तो आप कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जो है अल्लाह के नबी के मिलाद के मुनकिर थोड़ी हैं, हम तो ईद मिलादुल नबी कहा ना आपने अभी जुमला, क्या हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जो ईद मिलादुल नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है आप ऐसी बिदात व खुराफात को करते हैं, क्या हर साल सहाबे कराम का यही तरीका रहा है? क्या जो है आइम्मा मुज्तहिदीन का यही तरीका रहा है? क्या शरीयत ने हमको बताया है कि तुम जो है हर 12 रबीउल अव्वल को जो है जलसा करो, जुलूस करो और इसी तरीके से सड़कों को जाम करो और इसी तरीके से अपने घरों को सजाओ, अपनी दुकानों को सजाओ, ठीक है? तो क्या ये शरीयत ने हमको हुक्म दिया है? और जो इस तरीके से यानी आप वाली मिलाद अगर कोई ना मनाए तो उसको इबलीस कहना, सुनो ना, पहले सुन लो यार मुफ्ती साहब, पहले आप सुन लो, पहले आप सुन लो, ठीक है, पहले आप सुन लो, ठीक है ना, पहले आप सुनो उसके बाद जवाब दो। तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये जो है सहाबा का हुक्म है कि सहाबा के अकवाल से हमको ये पता चले कि जो है सहाबा ने हर साल जो ऐसा ही किया, आप वाली मिलाद जो मनाया है कि जुलूस निकाला और जो है उसके साथ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और इसी तरीके से सड़कों को जाम किया जा रहा है, नमाज की कोई पाबंदी नहीं, हमने देखा है कि जुलूस निकला है और जोहर की नमाज का वक्त हो गया लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ता, सब जो है उधम मचा रहे हैं, अब कह दिया, नारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो 12 रबीउल अव्वल को
ये सब करना क्या जो है जायज है? आप वाली मिलाद अगर कोई ना मनाए, आप वाली यानी कोई लाइटें ना लगाए और इसी तरीके से जो है उर्स ये जुलूस ना निकाले, ठीक है, तो आप उसको इब्लीस कहोगे, ठीक है। तो आप वाली मिलाद ने तो सहाबा भी नहीं मनाया है, आपकी वाली मिलाद तो जो है क्या बोलते हैं अइमा मुज्तहिदीन भी नहीं मनाए हैं, तो क्या ये सब इब्लीस हो गए? अस्तगफिरुल्लाह, आपके ये फतवे कहाँ जाके लगते हैं? और इब्लीस आपके नजदीक क्या है? अब सुनिए, अब हवाले सुनिए, ये जाल हक है। अब मेरी बात सुने ना, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पहले, आपसे बहुत देर सुन ली, अब सुनिएगा जी। नबी सुना करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो उस वक्त बड़ा रूह परवर नजारा था, ईमान अब जलवा, और उस वक्त मदीना मुनव्वरा को दहन किया गया, जिसके बारे में दुल्हन की तरह सजाया गया। रिवायत में रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूती छोटे छोटे गलियों में खुशी में दौड़, और या मोहम्मद या रसूल के फलक शिगाफ लगा नाक लगाते थे, और ये छोटी छोटी बच्चियां सब बच्ची और वाले ठीक है। अब इसका जवाब सुनो, इसका जवाब सुनो जी जी, इसका जवाब सुनो, सुनिए मुस्लिम शरीफ, हाँ इसका जवाब सुनो, सफा नंबर 4 सुनिए, बाहु हिजर फरमाया गया, अब इसका जवाब सुनो, अब इसका जवाब सुनो, अब इसका जवाब सुन लो, पहले इसका जवाब सुनो, पहले इस हदीस का जवाब सुनो, सुनो पहले, पहले सुनो ना यार। अब आपने बोला माजिद भाई खामोश कराओ इनको, मुफ्ती साहब को, अब इसका जवाब सुनो, फिर जो है दूसरी बात करेंगे। مدينه ادا امينها لوشه جدي دين امام محمد صلى الله عليه وسلم مدينه منوره شريف لا وزي اخر زمان سے ہر شے منور روشن ہو گئی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اب میں بولوں اب اپ خاموش رہیں گے اب میں بولوں ہاں خاموش رہیں मोहतरम सामईन आपने क्या बोलते हैं खामोश रहो तो वालों को जो तुम बेवकूफ बनाते हो अरे खामोश रहो यार क्यों बीच में बोलते हो इसका जवाब सुनो मुफ्ती मुजाहिद साहब इसका जवाब सुनो मुफ्ती मुजाहिद साहब इसका जवाब सुनो जी इसका जवाब सुनो इसका जवाब सुनो इसका जवाब सुनो इसका जवाब सुनो अरे इसका जवाब सुनो अरे यार अब ये सुनेगा ही नहीं ऊपर जो है ना तुम जैसे यूट्यूबरों को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ हाँ तो खामोश रहे ना मुफ्ती अरे मुफ्ती खामोश तो हो जा जवाब तो सुन ले अरे जवाब तो सुन ले मुफ्ती मुजाहिद जलालुद्दीन चंदाचूर खुजली मास्टर का उस्ताद खामोश रहकर मेरी बात सुन माजिद भाई इससे पूछो कि ये खामोश रहेगा या नहीं खामोश रहेगा अगर नहीं रहता तो लात मार दो मैं जो इंशाल्लाह इसका जवाब दे देता हूँ अशरफ अली थानवी कासिम ननौती रशीद अहमद गंगोई काफिर ये जवाब न दे सके आज तक इन्होंने सुन ले तो मेरा नाम नहीं है
तो खामोश रहे, जवाब तो ले, खामोश हो जाओ, जवाब, अरे जवाब तो ले ले, गधा कहीं का डींगे मार रहा है। अपने चैनरों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हो? अबे चैनरों नहीं होता है, गधा कहीं का जाहिल, समझे? मैं इतनी करता हूँ, सबसे जाके बात करो, माँ का दूध पिया है इसको। खामोश रहे, जवाब ले, भागना नहीं मुफ्ती मुजाहिद, जवाब लेकर जाना, जवाब लेकर जाना, भागना नहीं। हेलो, भाग गया भाई, भाग गया, गया। हाँ लगाओ क्या? हाँ लगाइए लगाइए। तुम्ही क्या व्यक्तिशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हॅज पुट युअर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाईन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। दिल हिम्मत नहीं है क्या जवाब सुनने की? अरे भैया जवाब सुन, मुफ्ती मुजाहिद जलालुद्दीन चंदा चोर का उस्ताद जो है, जवाब सुनेगा या भागेगा? भाग गया, भाग गया। अब सुनो, रहने दो, इसकी औकात नहीं है, इसने सोचा यही है कि ये मेरा अगर जवाब सुनेगा तो ये मर जाएगा और इसकी जो है पोल खुल जाएगी, ठीक है। इसने जो अहादीस पढ़ी हैं, ठीक है, उन अहादीस में कब की बात है, ठीक है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, ठीक है ना, उसके बाद सहाबे किराम की जिंदगी में वो दिन 12 रबीउल अव्वल कितनी बार आया आपको खबर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितनी बार जो है ये रबीउल अव्वल का महीना आया और 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, तो क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरीके से बरेलियों वाली रजाखानियों वाली मिलाद मनाई? नहीं नहीं। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है जुलूस निकाला? नहीं निकाला। अपने घर को सजाया? नहीं। हैं? क्या सड़कों को जाम किया? नहीं नहीं। नहीं ना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में कितनी बार 12 रबीउल अव्वल आया? क्या कभी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा काम किया रजाखानियों वाले? क्या रजाखानियों जैसी मिलाद मनाई? हरगिज नहीं मनाई। तमाम के तमाम सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार जो है उनकी जिंदगियों में, ठीक है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई लेकिन इस तरीके का ना जश्न मनाया, ना जुलूस निकाला, ना जो है इस तरीके की खुराफातें की, है ना? तो क्या सहाबे किराम से ज्यादा जो है ये रजा खन्नासी कुत्ते, ये खारजी जहन्नमी, क्या सहाबे किराम से ज्यादा आशिक हो गए? क्या ये हदीस, क्या ये हदीस सहाबे किराम को पता नहीं था कि सहाबे किराम भी हर साल जो है ऐसा ही जश्न मनाते, ऐसे ही जुलूस निकालते? और ये लोग तो अब पता है क्या निकाल लिए मौलाना। अब सुनिए, ये सहाबा इसका ये कौल जो है इसके जो है मुफ्तियों के खिलाफ है, ये जाल हक किताब है, ठीक है, इसका मुसन्निफ है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ठीक है ना, तो इसके सफहा नंबर 236 पर लिखता है कि इमाम सखावी के हवाले से कहता है, इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने ना किया, बाद में इजाद हुआ। अब ये तो कहता है कि सहाबा के दौर में सहाबा ये हदीस पढ़िए ना कि जो है सहाबा ने मनाया, इसका क्या करोगे? मुस्लिम शरीफ के ताल्लुक से कह रहा था, तो अब इसका मुफ्ती तो कह रहा है कि मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने नहीं किया, बाद में तो ईजाद हुआ है। या तो मुफ्ती मुजाहिद जो बरेलवी झूठा कज्जाब है, या तो क्या बोलते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी झूठा कज्जाब है। फैसला सामईन करें, आवाम करे फैसला कि सही कौन बोल रहा है। तीनों जमानों से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मिलाद शरीफ नहीं किया गया है ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना एक जमाना हुआ, फिर आया जमाना किसका, सहाबे किराम का। सहाबे किराम ने जो है क्या बोलते हैं नहीं किया, मिलाद शरीफ नहीं मनाई, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा जमाना क्या है, जो सहाबा के बाद हैं, है ना, तो सहाबा के बाद जो हैं उनके भी जमाने में मिलाद शरीफ नहीं की गई। ये तो बाद में इजाद हुई, बड़े बरेलियों का बड़ा मुफ्ती मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह रहा है। तो इसको ये हदीस समझ में नहीं आई, इमाम सखावी के ताल्लुक से कह रहा है इसका मुफ्ती, तो इमाम सखावी को ये पता नहीं था कि हदीस में क्या है, हैं? तो इमाम सखावी के ताल्लुक से जब इसका मुफ्ती कह रहा है कि तीनों जमानों में मिलाद नहीं मनाया गया तो ये कैसे कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्या बोलते हैं, ये अल्लामा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है ना, क्या है, पैदाइश 10 मुहर्रम अल हराम है। क्या है, 10 मुहर्रम अल हराम है। और अहमद रजा बरेलवी का कौल है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह की बात की मुखालिफत करेगा उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। तो शेख जिलानी रहमतुल्ला अलैह ने तो फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 10 मुहर्रम अल हराम है। अब बरेलवी रजा खानियों को चाहिए कि 10 मुहर्रम अल हराम को ये जुलूस निकाला करें, जश्न मनाया करें, तब तो शेख जिलानी रहमतुल्ला अलैह की बात पर अमल होगा। अब 10 मुहर्रम अल हराम को ये जुलूस नहीं निकालते, जश्न नहीं मनाते, हैं, बिरयानी जर्दा नहीं पकाते, है ना, अपने पेट की तोंदे वहां उनको मोटी करने का मौका नहीं मिलता, क्यों नहीं करते, क्यों मुखालिफत करते हैं। तो अहमद रजा बरेलवी ने जब क्या कहा कि उनकी बात की मुखालिफत करना तो अपनी दुनिया को भी बर्बाद करना, आखिरत को भी बर्बाद करना, तो तमाम रजा खानी अपनी दुनिया आखिरत को क्यों बर्बाद कर रहे हैं शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात की मुखालिफत करके। ये तो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो तुम्हारा अहमद रजा कह रहा है कि उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। तो तमाम रजा खानियों की दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है 10 मुहर्रम अल हराम को जश्न और जुलूस ना निकाल करके, है ना। और तीसरी बात ये है माजिद भाई, ये हराम खोर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पर जश्न मनाते हैं, इनके अहमद रजा बरेलवी के कौल के मुताबिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप जो है क्या बोलते हैं सहाबे किराम से जुदा हो रहे थे, अपने मालिक हकीकी के पास जा रहे थे, ठीक है ना, उस वक्त सहाबे किराम का क्या आलम था, क्या हालत थी। सहाबे किराम रो रहे थे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहु जंगलों को निकल गए, हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु ने क्या बोलते हैं तलवार निकाल ली कि जो ये कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सहाबे किराम बिलक बिलक कर रो रहे, सहाबे किराम के ऊपर जो है ये आलम है, हैं, और ये रजा खानी 12 रबीउल अव्वल को क्या बोलते हैं जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी लड़कियों को जो है सरे बाजार जो है रुसवा कर रहे हैं। तो इनका सहाबा इकराम से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, सहाबा इकराम के अमल से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं, कुरान और हदीस से इनका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, है ना। तो ये जो है आना जाना नूर का ये तसनीफ है आला हजरत अहमद रजा बरेलवी की, ठीक है ना।
इसके सफा नंबर 27 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जमहूर उलमा का कौल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल मुबारक को हुआ। जब जमहूर उलमा का ये कौल है, ठीक है ना। अहमद रजा बरेलवी ने खुद अपनी किताब के अंदर आना जाना नूर का इसके सफा नंबर 27 पर लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ। अब 12 रबीउल अव्वल के दिन ये भंगड़े करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, सहाबा कराम रो रहे हैं और ये जश्न मना रहे हैं। तो इनकी मिलाद सहाबा से नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद के मुमकिन नहीं, हम तो अल्लाह के नबी का खूब जिक्र करते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं। अल्लाह ही के नबी के जरिए से हमको क्या बोलते हैं, कुरान मिला, इस्लाम मिला, सब कुछ मिला, तो हम तो सहाबा वाली मिलाद मनाए और इनकी वाली मिलाद ना मनाए, यानी भंगड़े ना करें, जुलूस ना निकालें, झंडियां ना निकाल लगाए और जो है चरागा ना करें, तो हम जो है क्या बोलते हैं, इबलीस हो गए। तो इनका फतवा तो सहाबा कराम पर भी लगता है, सहाबा कराम को भी इन लोगों ने जो है इबलीस कह दिया, ठीक है। और फतावा रजविया में अहमद रजा बरेलवी ने अपना कौल जिक्र किया कि हमने हिसाब लगाया तो 12 रबीउल अव्वल की 8 तारीख हुई। अच्छा, यानी तशरीफ आवरी की कि 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो हराम खोरो तुम अपने आला हजरत के नहीं हुए, आला हजरत के कौल को अपनाओ। आला हजरत ने खुद कहा है कि हमने हिसाब लगाया तो 8 रबीउल अव्वल हुई, तो 8 रबीउल अव्वल को हराम खोरो तुम जुलूस निकालो, जश्न मनाओ, झंडिया लगाओ, चरागा करो, वहां तुम आला हजरत की मुखालिफत करते हो। और ये क्या है, इम्तियाज अहले सुन्नत में इनके रजा खानी मुल्लाओं ने फतवा दिया है कि जो मसले के आला हजरत की मुखालिफत करेगा, यानी आला हजरत की जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अब बताओ आला हजरत की मुखालिफत कर रहे हैं कि नहीं? बेशक कर रहे हैं। 8 रबीउल अव्वल को जश्न मनाएं, जुलूस निकालें, भगड़ा डालें, तो ये आला हजरत का की मुखालिफत करके जो है अपना खात्मा ईमान पर कैसे सोच सकते हैं, अपने आप को आशिक़े रसूल कैसे कह सकते हैं? आला हजरत का, आला हजरत के ताल्लुक से कहा गया कि उनकी बात की जो मुखालिफत करेगा, यानी मसले के आला हजरत की जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अब जो आला हजरत की बात की मुखालिफत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जब भी मरना होगा, जब भी उनकी मौत आएगी, कुफ्र पर मौत आएगी, इनके मौलवियों ने कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जो है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, मिलाद मनाते हैं, लेकिन इन रजा खानियों वाली मिलाद हम हरगिज नहीं मनाते हैं। जो सहाबा ने जिस तरीके से मनाया, हम कहते हैं ये कि अल्लाह के, ये कहते हैं रजा खानी कि जो अल्लाह के नबी ने अपना मिलाद मनाया, हदीस पेश करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने तो रोजा रखा था, है ना। तो पूछा गया कि आपने रोजा किस लिए रखा, तो कहा कि मैं आज के दिन जो है मेरी जो है पैदाइश हुई, है ना। तो हम कहते हैं कि आओ इस हदीस पर अमल करो, रोजा रखो, रोजा रखकर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाओ। तो ये क्यों नहीं आते हैं इस तरफ, असल में क्यों नहीं आते हैं? इसलिए जब ये रोजा रखकर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे तो इनके पेट की तौंदे कैसे मोटी होंगी, इनको नजराना कैसे मिलेगा, इनको जरदा पुलाव बिरयानी मुफ्त की कैसे मिलेगी अगर रोजा रख लेंगे। इसलिए ये पेटू अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ पर अमल नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी वाला जो है मिलाद नहीं मनाते हैं, और जो वैसा मिलाद मनाए उसको इबलीस वारजा खानियो, तुम ही एक आशिक रसूल गुजरे हो। अब ये आशिक रसूल होने का ढोंग छोड़ो रजा खानियो, जिस तरीके से सहाबा ने, जिस तरीके से सहाबा के बाद के लोगों ने अल्लाह के नबी का मिलाद मनाया, उस तरीके से मिलाओ, मनाओ, कौन रोकता है तुमको।
ठीक है माजिद भाई, बहुत हाँ, तवील गुफ्तगू हो गई। चलो ठीक है ना, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।